नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में चार आरोपियों को बालाघाट जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा गत वर्ष दिवाली के दिन 27 अक्टूबर 2019 की रात जब छात्रा घर में अकेली थी तब जबरन घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया था और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। दो दिन पहले ही पीड़िता की मां द्वारा पीड़िता के गर्भवती होने के लक्षण देखकर जब उससे बातचीत की गई तब उसने पूरी घटना सामने रखी। इसके बाद 28 अप्रैल को पीड़िता की मां ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी और नाबालिग की शिकायत पर वारासिवनी पुलिस द्वारा चार नामजद आरोपियों जो कि ग्राम कोपे और टेकाड़ी के थे गिरफ्तार कर लिया। कि कोपे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ है, जिसकी तस्दीक में उप निरीक्षक प्रीति सिंगोटिया, मैं स्वयं और हमारा स्टाफ गया था और जो उसकी तस्दीक की गई, जो सही होना पाया गया, लड़की जो है लगभग 6 माह की गर्भवती है और जब उसके माता को उसका जो है पेट बड़ा हुआ दिखा और बाकी गर्भवती होने के सिम्टम दिखे तब उसके द्वारा जब पूछा गया तो उसने बताया कि विगत दीपावली के दिन उसके घर में घुसकर उसके साथ में गैंगरेप की घटना की गई थी लोगों के द्वारा। और बाद में जब पूछताछ की गई तो एक अन्य व्यक्ति है उसके साथ भी उसके संबंध रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने कल FIR कायम करी थी और आज जो है आरोपी हमने जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। कितने आरोपी हैं? कुल 4 आरोपी हैं इसमें। इसमें विनोद पिता हीरालाल गजवे, जाति गोवारी, उम्र 19 साल, निवासी टेकाड़ी, अविनाश उर्फ छोटू उर्फ अविनाथ, पिता चैन सिंह भोड़े, जाति गोवारी, उम्र 20, निवासी ग्राम कोपे, नवीन पिता फागूलाल कुमले, जाति ढीमर, उम्र 18 साल, निवासी ग्राम कोपे, रामचरण उर्फ डंडू, पिता मानिक राम पंचेश्वर, जाति मरार, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम कोपे।